समंदर में रूस और नेटो के बीच डायरेक्ट युद्ध की आशंका क्यों? क्या पोलैंड बॉर्डर पर विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कने वाली है? देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। यूक्रेन की नेवल कमांड ने दावा किया है कि रूस अब समंदर से बड़ा हमला करेगा। ब्लैक सी में रूसी नेवी के 4 युद्धपोतों को कैलिबर मिसाइलों से लैस किया गया है, तो भूमध्य सागर में भी किलर मिसाइलों से लैस 8 रूसी वॉरशिप्स रेडी टू अटैक मोड में रखे गए हैं। रूस और नाटो के बीच अब डायरेक्ट युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में रूस ने अब पश्चिमी सीमाओं पर सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री शोइगु ने कहा कि फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड बॉर्डर पर सैन्य किलेबंदी और मजबूत करेंगे। वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं के बीच रूस बड़ी तैयारी में जुट गया है। देश के कोने कोने से रूस अपने बॉर्डर इलाके में हथियार की सप्लाई कर रहा है। बेलगोरोद हाईवे के पास रूसी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम BM-21 ग्रैड के काफले को देखा गया। ये रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी बॉर्डर के पास तैनात किए जाएंगे। लैंड पर बेलारूस से बड़े हमले की तैयारियां जारी है। यूक्रेन से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक बेलारूस की फोर्स डमी हमलों की प्रैक्टिस करने में जुटी है। बॉर्डर पर ग्रोंडो शहर को बेलारूसी फोर्स ने वॉर ड्रिल का सेंट्रल पॉइंट बनाया है। पोलैंड बॉर्डर पर वैगनर फोर्स का भी एक्शन जारी है। बेलारूस में तैनात वैगनर फोर्स के 4,000 सैनिकों ने पोलैंड बॉर्डर पर जंगी ड्रिल के बहाने मोर्चाबंदी की हुई है। पोलैंड बॉर्डर पर बिल्कुल जंग जैसा मंजर है। भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन को 50 लेपर्ड टैंक का नया बैच मिलने वाला है। D-10 डार्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेल्जियम के स्टॉक से 50 लेपर्ड टैंक खरीदे गए हैं। इन लेपर्ड टैंक्स को अपग्रेड करने के बाद यूक्रेन के वॉर जोन में सीक्रेट सप्लाई होगी। रूस ने ब्रियांस्क के इलाके में यूक्रेनी सेना की तरफ से गोलाबारी का आरोप लगाया है। ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने कहा है कि यूक्रेन सेना की तरफ से आज शाम बेर्ज़का शहर में गोलीबारी की गई है। यूक्रेनी हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ZOV बैटल ग्राउंड में घातक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है। डमी ठिकानों पर आर्टिलरी, ड्रोन और मैनपैड लॉन्च सिस्टम से हमला किया। ड्रिल का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। तीसरे विश्व युद्ध के खतरों के बीच रूस यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने में लगा है। रूसी सेना ने बेसमेंट में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर अचानक से धावा बोल दिया। हमले में 14 यूक्रेनी सैनिक घायल हो गए।